नमस्कार। भारत न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सुनते हैं देश दुनिया से जुड़े आज की ताजा खबरें। कोरोना से जंग के बीच भारतीय डॉक्टरों के लिए अच्छी खबर, यूके ने बढ़ाया वीजा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से एक दिन में रिकॉर्ड 563 मौतें, अब तक 2352 लोगों की गई जान। पीएम मोदी की आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी बैठक। अफगानिस्तान में बम धमाका, 6 बच्चों समेत एक ही परिवार के 8 की मौत। कोरोना से असमे गई 9/11 से ज्यादा जान, ट्रंप बोले और दर्दनाक होगा मंजर। कोरोना वायरस से फ्रांस में एक दिन में सबसे ज्यादा 499 लोगों की मौत। कोरोना से असमे 24 घंटे में 253 की मौत, दुनिया में 37,686 की गई जान। विजय माल्या का ट्वीट, लॉकडाउन की वजह से काम ठप, सारा पैसा लौटाने को तैयार। भारत सरकार ने कहा अचानक बड़े कोरोना मरीज, तबलीगी जमात को बताया वजह। अमेरिका में एक दिन में कोरोना वायरस से 884 मौतें, बना नया रिकॉर्ड। डीएम के बाद नोएडा के सीएमओ अनुराग भार्गव पर भी गिरी गाज, हुआ तबादला। काबुल में गुरुद्वारा हमले की जांच करेगी नियम, केरल कनेक्शन आ चुका है सामने। एमपी में कोरोना को लेकर एक्शन रिव्यू मीटिंग के बाद हटाए गए स्वास्थ्य आयुक्त। भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी तबलीगी जमात ने बढ़ाया कोरोना का खतरा। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से 7 लोगों की मौत, सीआईएसएफ के 5 जवान भी पॉजिटिव। भारत में तेजी से फैल रहा कोरोना, देश में 2000 से ज्यादा केस, 58 की मौत। ईरान में फंसे 250 भारतीय तीर्थयात्री हैं कोरोना पॉजिटिव, वापस लाने की मांग। कोरोना संकट के बीच कल सभी राज्यों के सीएम से बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जमातियों की तलाश में पूरे देश में सर्च ऑपरेशन, अहमदाबाद में पुलिस पर पथराव। बस 3 सेकंड में कोरोना से सेफ्टी। तमिलनाडु में बनाई गई सैनिटाइजर टनल। कोरोना से जंग में 1125 करोड़ खर्च करेगा अजीम प्रेम जी का विप्रो ग्रुप। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नई खबरों के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नई खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।